कोई थ्योरी नहीं सिखाया, ये बेटर है। चलो थैंक्स, क्योंकि चलो आगे चलूं। सर नेक्स्ट पेज। लिख लो लिख लो, मुझे बोल देना। सेकेंड दे रहा हूं, जल्दी। निकलूं आगे? अब सर हाँ सर देखो, जब भी तुम रूट से बाहर निकालोगे, क्या बाहर निकालोगे? जब भी रूट से कोई चीज बाहर निकलता है तो एक्चुअली में मॉड निकलता है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं कहूंगी कि तुम रिड्यूस करो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस एफ स्क्वायर एक्स है क्या? एफ स्क्वायर एक्स है। किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर है तो बाहर क्या निकालोगे? केवल एफ ऑफ एक्स है, मॉड एफ ऑफ एक्स। और फिर ये कैसे बिहेव करता था, याद है? अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तब माइनस एफ ऑफ एक्स, और अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स। जैसे इसे रिड्यूस करना है, ठीक है? तो अगर तुम यहां पे एलसीएम ले लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इससे बाहर क्या निकलेगा? मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। इस ब्लू वाले से क्या बाहर निकलेगा? मॉड ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। और ये डिनोमिनेटर से क्या बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो कॉस का थीटा हो जाएगा। मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, फिर से ऑब्जर्व करो, यहां पे मॉड मीनिंगलेस है क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो अब ये तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम ये ऑब्जर्व करोगे क्योंकि तुम जानते हो कि साइन थीटा माइनस वन से लेके वन तक होता है, इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 माइनस साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ या ना? क्या 1 माइनस साइन थीटा कभी भी नेगेटिव होगा? नो सर। क्या 1 प्लस साइन थीटा कभी भी नेगेटिव होगा? नो सर। तो ये ऑब्जर्व करोगे, तो अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो ये मॉड मीनिंगलेस है या नहीं? यस सर। क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हटा सकते हो, तो मैं इसे डायरेक्टली मॉड हटा सकता हूं, और ये क्या मिलेगा था? 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस, मगर कॉस क्या हर समय पॉजिटिव होता है? नो सर। कॉस थीटा नहीं, ये अपना साइन चेंज करेगा, इट चेंजेस साइन। तो यहां पे मॉड मुझे चाहिए, तो अल्टीमेटली साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 बाय मॉड कॉस थीटा। तो अब ये कैसा दिखेगा तब? अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा? 2 बाय कॉस थीटा मतलब 2 सेक थीटा दिखेगा, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तब कैसा दिखेगा? नॉर्मली ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन में होगा कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, नहीं तो कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ। तब ये 2 सेक थीटा होगा, और अगर एक्स सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब क्या होगा?
नेगेटिव होगा, तो माइनस टू सेक थीटा, ठीक है। तो सेम सम मतलब ये पूरा मैं पूरा महाभारत नहीं करूंगा, ये रिजल्ट की तरह याद नहीं रखना है तुम्हें। कभी ऐसा दिया जा सकता है कि सपोज दे देगा कि 3π इज लेस देन x इज लेस देन 7π बाय 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और तुमसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, रूट आवर ऑफ जो था 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि 2 बाय कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी है 2 बाय साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी है माइनस 2 बाय कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर 2 है माइनस 2 बाय साइन थीटा। तो अब तुमने देखा था इस एक्सप्रेशन को ऑलरेडी रिड्यूस करके क्या मिला था ई तुमको, ऊपर जब मैंने ई को रिड्यूस किया था तो मुझे मिला था 2 डिवाइडेड बाय क्या मॉड कॉस एक्स। अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, 3π से लेके 7π बाय 2, 3π कौन सा लाइन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑड मल्टीपल है तो ये 3π, और 3π के साथ अगर तुम π बाय 2 ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 7π बाय 2। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड। तो थर्ड में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है सर। तो कॉस नेगेटिव होता है तो मॉड कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो आंसर क्या आएगा, माइनस टू बाय कॉस एक्स। खेला खत्म। तो आप जब भी रूट से बाहर निकालोगे तो मॉड को कॉमन लोगे, इस चीज को समझोगे। आराम से लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, डाउट होना स्वाभाविक है। आगे निकलूं? सर थोड़ा रुकिए, ठीक है। सर ऊपर का थोड़ा
चलूं बोल देना। चलो इफ 5π/2 इज लेस देन 3π देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन is a minus cot x by 2 cot x by 2 tan x by 2 minus tan x by 2 to mera expression hai तो ऐसा समझ अब देखते हो डिनोमिनेटर में तो दिमाग में कुछ आता है तो रेशनलाइजेशन तो अगर रेशनलाइजेशन मैं करूं तो क्या मिलेगा तो ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 2 √ ऑफ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब दोबारा एक कॉन्सेप्ट समझो मैं नीचे लिख रहा हूं मैंने √ a² को क्या दिया था मॉड ए मगर रूट ए का होल स्क्वायर मॉड ए नहीं होता ये होता है देयर इज अ डिफरेंस समझ में आया ऑर्डर डिफरेंस है ये आर्गुमेंट के अंदर होल स्क्वायर है मगर ये रूट ए के अंदर होल स्क्वायर है मतलब यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर में पहले तुम होल स्क्वायर करके 4 लिखते हो फिर 2 लिखते हो मगर यहाँ पे तुम √ -2 लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि पहले √ हो रहा है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स ओके और ऊपर वाले में दोनों है √ a² और √ a का होल स्क्वायर तो ये डिफरेंस को समझो तो इसलिए ये वाला में मॉड आएगा या नहीं आएगा इस वाले में सर नहीं आएगा क्योंकि ये रूट का होल स्क्वायर है तो ये 1 - sin x हो जाएगा ठीक है प्लस कॉन्सेप्चुअली भी समझो क्योंकि रूट ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे क्या आया 1 + sin x मगर उसके बाद वाले में मॉड आएगा या नहीं आएगा सर आएगा आएगा क्योंकि ये 2 √ cos² x हो जाएगा इसलिए ये क्या हो जाएगा मॉड cos x डिवाइडेड बाय नीचे भी नहीं आएगा 1 - sin x - 1 + sin x sin x कैंसिल 2 + 2 mod cos x डिवाइडेड बाय 1 को कैंसिल करो -2 sin x अब मुझे 2 हट जाएगा तो माइनस ऑफ 1 + cos x डिवाइडेड सॉरी मॉड कॉस एक्स बाय साइन एक्स अब मुझे बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट है 5π/2 से लेके 3π तक कोई बोलेगा सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड है समझ में आ रहा है क्योंकि ये 3π है और ये 5π/2 है तो तुम एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो क्या आएगा तब ये -cos x - 1 - cos x / sin x ठीक है आंसर आ गया जब तुम आंसर जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है सब हाफ एंगल के टर्म में है तो क्या 1 - cos x को कुछ हाफ एंगल में लिख सकते हो कोई बोलेगा सर 2 cos² x / 2 नहीं माइनस है माइनस है सर ये sin² x / 2 और sin x को क्या लिख सकते हो 2 sin x / 2 और क्या cos x / 2 तो कैंसिल होके कितना आया -10
तो समझ में आया मौत का खेला रे, ठीक है। मैं आज के क्लास में कहीं भी तुम्हारे लाइफ को आसान नहीं बनाऊंगा, मगर मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा कि कहां पे करने से तुम्हें सॉल्व होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के क्लास के बाद तुम बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान लगने लगा, मगर ट्रिग्नोमेट्री का तब कभी भी कोई भी कहीं पे एग्जाम बैठ के दोगे तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि हाँ करना क्या मैं वो तुम्हें सिखा रहा हूं। लिखना है तो लिख लो, दो मिनट का टाइम देता हूं। समझ में आया? देखो यार सबको रेस्पेक्ट दे रहा हूं, कोई अगर केवल बोर्ड लेवल में पढ़ना चाहता है फंडामेंटल का सीट मिलेगा, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैंने इतने दिन से मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सीट नहीं दिया था ये सोच के कि अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैलकुलेट कर लूंगा, जो मेंस के हैं जो एडवांस के हैं, मगर फिर मुझे लगा कि इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैलकुलेट करने से मुझे भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि काफी क्लैन हो जाता है अलग अलग, कोई बोर्ड लेवल वाला क्लैन हो जाता है फिर वो, तो मुझे मुश्किल हो जाता है। तो इससे ज्यादा बेटर है कि मैं सीट्स में अब अलग अलग नाम दे दूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब मैं बार बार ओनली जेई मेंस और ओनली जेई एडवांस लिखना गलत मानता हूं, ठीक है, क्योंकि हम जिंदगी में केवल उसी के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम साथ में कुछ सीखने के लिए भी पढ़ते हैं। तो मैंने नाम चेंज कर दिया है, बात तो वही है। इंस्पायर का मतलब कभी भी किसी भी जगह में इंस्पायर लिखा होगा तो वो जेई मेंस पैटर्न का होगा, जिसमें जेई मेंस विद सेट जेई एडवांस का सिंगल चॉइस कर रहा है, मतलब तुम मान सकते हो कि उस टाइप के सम्स। हाँ ऐसा नहीं कि जेई एडवांस का एकदम उसके अंदर नहीं होगा, मगर केवल वो सीट करने से जेई एडवांस के सम्स नहीं बनेंगे। एलिवेट आएगा, एलिवेट सीट जहां पे भी लिखा होगा, चाहे वो टेस्ट हो, जीएमपी को छोड़ के जीएमपी कॉम्बाइंड होगा। हर जगह में ये काम नहीं कि सुबह सुबह दो जीएमपी दूं, बेकार लगने लगेगा। तो एलिवेट जहां पे भी आएगा वो जेई एडवांस पैटर्न होगा, या जेई मेंस के वो टॉप 30-40 सम्स जो टफर लेवल में आते हैं, या अगर तुम्हारा एम दूसरे किसी एग्जामिनेशन में ठीक है, आईसर जो है वो थोड़ा जेई मेंस जैसा हो जाता है, बाकी एग्जामिनेशन वो थोड़ा जेई एडवांस जैसा हो जाता है। हमने देखा है जो जेई एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं वो थोड़ा सीएमआई आईएसआई भी कभी कभी क्लियर कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा अलग पढ़ना होता है रे उसके लिए, ये नहीं है, मगर स्टिल हमने देखा है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाएंगे, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आईएसआई का लेवल में क्या है ना कि देख, एक तो जेई करने उससे क्या होता है कि एक लेवल में उसके ऑब्जेक्टिव वाले सम्स हो जाते हैं, समझ में आया। आईएसआई में दो पेपर आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है एक सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव वाले सम्स हो जाते हैं, मगर सब्जेक्टिव वाले सम्स के लिए तुम्हें थोड़ा सा नंबर थ्योरी ज्योमेट्री करना पड़ेगा। एक किताब आता है चैलेंजेस एंड थ्रिल ऑफ मैथमेटिक्स, उससे अगर कुछ सम्स कर पाओगे तो बेटर है, ठीक है। आगे चलू? सर हाँ बोल। सर आपने जो किताब बोला वो लेना पड़ेगा क्या जेई एडवांस के लिए? नहीं, एडवांस के लिए जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली ओलंपियाड के लिए अगर पढ़ते हो या उसके लिए पढ़ते हो तब जरूरत है। चैलेंजेस एंड थ्रिल, कोई आईएसआई सीएमआई में जाना चाहता है तो वो एक किताब करके जा सकता है। जेई एडवांस के लिए एकदम जरूरत नहीं है। आगे चलूं? यस सर। अब देखो, देयर आर सम फॉर्मूला, मतलब थोड़ा ऑड तुम्हें लगेगा कि सर अगर मैं क्लास थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट को सिखाऊं और जिसे मैंने एपी नहीं सिखाया है उसे मैं दिखाऊंगा, देखो 1+2+3+4+5 कर इसका वैल्यू 5×6/2 होता है, 1+2+3+4+5+6 कर इसका वैल्यू 6×7/2 होता है। तो क्या तुम जनरलाइज करके मुझे बोल सकते हो कि 1+2+3 up to 100 का वैल्यू क्या होगा? 100×100 तुम होगा सर 100×, मतलब तुम जाओ क्लास सेवेंथ में जाओ जब तुम लोग ने नहीं पढ़ा था बाय टू, एट में आ जाओगे तो हो सकता है कि क्योंकि एपी जीपी तुमने नहीं पढ़ा होगा मैं बोलूंगा 100 के बदले अगर मैं एन दे दूं तो क्या होगा? तो अब मैं यही करने वाला हूं। एक्चुअली में जब हम लोग इस टाइप से किसी चीज को प्रूफ करते हैं उसे मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, मगर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन अभी कर नहीं रहे हैं। हम क्या देखेंगे, हम पैटर्न देखेंगे और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके एक फॉर्मूला लिखेंगे जो तुम्हें याद रखना होगा, रिमेंबर द फॉर्मूला।
एक दो जगह हो सकता है कि मैं नहीं भी बताऊं, ठीक है, काफी कुछ है इसमें, इसमें मतलब देखना होगा। चलो शुरू करते हैं, पहले शुरू करता हूं उससे हम लोग बेटर है। रिड्यूसिंग फैक्टर वाले सम्स, रिड्यूसिंग फैक्टर वाले सम्स, रिकॉग्नाइज द पैटर्न, ऊपर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, रिकॉग्नाइज द पैटर्न, यहां से खेला शुरू करेंगे। कॉस ए कॉस ट्वाइस ए कॉस फोर ए, ध्यान से देखो एंगल जीपी में है, जीपी याद है लास्ट क्लास करवाया था, ए ए के बाद ट्वाइस ए, ट्वाइस ए के बाद फोर ए, एंगल किसमें, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। रिड्यूसिंग फैक्टर कभी कभी किसी चीज से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बड़ा सुंदर चीज हो जाता है। मैं साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये साइन ए मेरा रिड्यूसिंग फैक्टर का काम करेगा। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम मुझे अगर बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्या साइन ए इंटू कॉस ए का कोई फॉर्मूला था, नहीं मैं लिख ही लेता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या था, बस मुझे इतना मालूम है कि पैटर्न मुझे पता चल चुका है, एंगल क्या होगा डबल, तो ये वन बाय साइन ए, तो मुझे बोलोगे साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, तब साइन ट्वाइस ए बाय टू इंटू, अब ये किसके साथ पेयरिंग होगा, तब cos 2 cos 2 से के साथ, तो ये क्या हो जाएगा तब sin 4a/4a/1 by sin a, तो ये हो जाएगा sin 4a/4, ये किसके साथ पेयर होगा cos 4a के साथ, तो और क्या दिया तब तुम्हें इसने sin 8a/8, तो इसका मतलब मैंने क्या देखा, cos a cos 2a cos 4a के बदले मैं 2² लिख रहा हूं, लिख सकता हूं Yes, मुझे साइन 8a मिला तो मैं उसको लिख रहा हूँ साइन 2³ डिवाइडेड बाय 8 के बदले 2³ इनटू साइन a, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं कॉस a कॉस ट्वाइस a कॉस 2² a कॉस 2³ a बोलूं तो क्या तुम्हें लग रहा है अल्टीमेटली जब तुम 1 बाय साइन a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही पैटर्न इसमें गिर रहा है, यस सर, और तब ये क्या होगा, कोई मुझे बोलेगा अब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, साइन 2 टू द पावर 4 पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो बाय साइन 2 टू द पावर 4 ए कॉस साइन 2 टू द पावर 4 इनटू साइन ए, और अब यहां से अब तुम लोग मुझे फार्मूला बोलोगे, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट हो रहा है, करना तो उसी टाइप से प्रूफ करना होगा तुम्हें कि जब तुम कॉस ए कॉस ट्वाइस ए कॉस 2² ए को कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो बोलो ना क्या होगा, नहीं देखो फिर से मैं ठीक है, मैं पैटर्न देखो 2² के लिए तुम्हें क्या मिला, तुम क्या करोगे, ब्लू और रेड वाले में ध्यान दोगे, ब्लू और रेड वाले में ध्यान दो, अब यहाँ पे ब्लू वाले में ध्यान दो, ये 2^(n-1) है तो क्या मिलेगा, जो मैं अभी कहीं पे लगाऊंगा, मैं लिखना है तो लिख लो, तो समझ में आया, इस टाइप से चीजों को कराऊंगा। किसी को कुछ भी जो पूछना है पूछ सकते हो, स्कूल का टर्म वन टर्म टू जो है, मगर मेरे ख्याल में 11th में सर स्कूल में क्या कहा है, फॉलो करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे उन लोग इस चीज को, कुछ कहा है क्या, स्कूल ही नहीं खुला है, स्कूल ही नहीं खुला, अगर देख लेना एक बार, ठीक है लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मतलब बहुत लोग बहुत आगे गए हो, कुछ लोग थोड़ा पीछे भी जा रहे हो, आगे जाओ बस और एक स्टेप आगे जाओ, टफ सब मिलने से डरना नहीं है, सॉल्यूशन देख के समझना है, वीडियोस देख के समझना है, डाउट पूछना है, प्रॉब्लम्स हर समय होने लगेंगे, वो उसके लिए तुम्हें बोर्ड लेवल में चीजें करना होगा, जब तुम एंट्रेंस लेवल में आ जाते हो तो वो चीज नहीं होता है, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, और इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो है,
वहां पे इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। कल परसों में केवीपीआई वाला ग्रुप बना लूंगा, क्योंकि ये मैं इस टॉपिक के लिए रुका हुआ था। एक बार ये हो जाएगा तो फिर मैं केवीपीआई वाला ग्रुप कल परसों में मिल जाएगा तुम लोगों को, कल उस बैच में भी खत्म हो जाएगा उसके बाद। हाँ सर, केवीपीवाई का स्टैंडर्ड मतलब मेंस जैसा है या उससे ऊपर? ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। तो ये मैं मेंस मेंस प्लस एडवांस डिवाइडेड बाय 2 बोल सकते हैं, तो उसके बीच का मतलब। एक्चुअली मैं मेंस और एडवांस भी नहीं बोलूंगा, मैं एडवांस प्लस पीआरएमओ डिवाइडेड बाय 2 बोलूंगा। सर पीआरएमओ क्या है? मतलब वो ओलंपियाड वाले जो एक पहला जो एक एग्जाम होता है पीआरएमओ क्वालिफाई करने के लिए, तो वो डिवाइडेड बाय 2 बोलूंगा मैं। ओके सर, मतलब मेंस के लेवल का सॉरी एडवांस के लेवल का मतलब नहीं है? एडवांस पूरा उस लेवल में नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि एडवांस में तो बहुत कुछ होता है ना यार, पैसे जाता है, बड़े सम्स होते हैं। यहाँ पे सम्स उतने लंबे नहीं होते हैं, थोड़े छोटे छोटे ही होते हैं, मगर थोड़े ट्रिकी होते हैं। आगे आगे चलूं सर, मतलब एडवांस मतलब बहुत हार्ड होता है? है यार, उसे तो तुम आसान नहीं बोल सकते हो, मेंस भी हार्ड होता है, सीरियसली कह रहा हूं। तो मेंस को भी बहुत आसान नहीं बोल सकते हो, उसमें मैथ्स तो सबसे डिफिकल्ट आता है। आगे निकलो। हाँ सर। चलो चलो 2 मिनट रुको। तो सपोज मैं तुम्हें इसका वैल्यू निकालने बोल रहा हूं, कॉस पाई बाय 15, कॉस 2 पाई बाय 15, कॉस 4 पाई बाय 15, कॉस 8 पाई बाय 15, शुरू करूं? क्या ये उस पैटर्न में गिर रहा है? जरा ध्यान से देखो। यस सर। हाँ सर। अगर पाई बाय 15 को ये ले लेता हूं तो ये क्या मिला? कॉस ए, कॉस ट्वाइस ए, कॉस 4 ए, कॉस 8 है। तो डायरेक्टली बोलोगे फॉर्मूला क्या लगेगा तब? ऊपर वाला फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तो 8 ए के बाद साइन 16 ए बाय 16 साइन ए, 16 साइन है। अब ए का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू क्या है? साइन पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 इनटू साइन पाई बाय 15, पाई बाय 15। अगर तुम ये दो एंगल को देख रहे हो तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कुछ बन रहा है? ध्यान से देखो, प्लस माइनस करके, केवल प्लस करके नहीं, माइनस करके भी, माइनस करके ये बन रहा है तो सप्लीमेंट्री पेयर बोलता हूं। तो सप्लीमेंट्री पेयर हो रहा है इसलिए क्योंकि 16 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 15, तो 16 पाई बाय 5 को कुछ लिख सकता हूं क्या? पाई प्लस पाई बाय 15 डिवाइड बाय किस 16 इनटू कितना? साइन पाई बाय 15। तो इसे क्या करूंगा? साइन पाई प्लस थीटा क्या था याद है? माइनस, अब इससे ऊपर जा चुके हैं। साइन पाई प्लस थीटा में भी अगर अभी प्रॉब्लम होगा तो कहां पे हो जाएगा? इज इक्वल टू कितना है आंसर? माइनस 1/16। अच्छा लगा? अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो रियली अच्छा लगा होगा कि फॉर्मूला याद रहने से कितना आसान होता है। क्या किसी को ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? क्या किसी को ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम है? तो फॉर्मूला में अगर प्रॉब्लम है तो तुम देखोगे फॉर्मूला क्या था, कॉस ए, कॉस ट्वाइस ए, कॉस 2² ए, डॉट डॉट डॉट, कॉस 2n-1 ए, 2n-1 के बाद जो पावर है वो आता था। तो वैसे ही 8 के बाद वाला पावर क्या होगा?
16 ए होगा, तो मैंने वो फॉर्मूला इसमें लगा दिया है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। टाइमर देना भूल गया था, 45 सेकंड का एक टाइमर दे रहा हूं, लिखना है तो लिखो। खूब मेहनत, डिमोरलाइज हो गया। नहीं सर, बनता नहीं है सम, अरे एग्जाम में नहीं बनेगा सम, ठीक है, अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर अभी प्रैक्टिस करोगे तभी जाके बाद में एग्जाम में सम नहीं बनता है। अभी जो तुम बोलते हो वो क्यों बोलते हो, इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम अभी सम प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि एग्जाम में जाके बने। इस चीज को समझो, एक तो इस चीज को समझो कि मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों में से बहुत लोग मेहनत करो, कई लोग को, और वीडियो देखना, वीडियो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन है तो वीडियो तो थोड़ा देखा ही जाएगा, मगर केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। आगे चलूं? हाँ सर, चलो। सेम सम को चेंज कर रहा हूं, सेम सम में कभी कभी तुम्हें ज्यादा पेयरिंग ढूंढना पड़ सकता है, कॉस पाई बाय 15। अच्छा, अब मैं और एक चीज बताता हूं। ये एक सिंबल था प्रोडक्ट का, ये हम लोगों ने सीखा था रे, क्या बोलते हैं उसमें, लॉग में। हाँ, तो सपोज अब मैं तुम्हें कहता हूं आर इज इक्वल टू 1 से लेके 7 तक है, कॉस आर पाई बाय 15, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सिंबल प्रोडक्ट का है, तो इसका मतलब r का वैल्यू जब 1 डालोगे, 1 से लेके 7 तक सब वैल्यू डालोगे, जब r का वैल्यू तुम 1 डालोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 5 pi by 15, cos 6 pi by 15, cos 7 pi by 15। मैंने एक चीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना तुम लोग को भूल गया, जहां पे तुमने ये फॉर्मूला रिजल्ट लिखा है वहां पे तुम लिखोगे ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एंगल्स आर इन क्या हो, किसमें एंगल्स, विद कॉमन रेशियो कितना है, 2, 2 ही होना पड़ेगा कॉमन रेशियो। ये लिख लो, मैं वेट कर रहा हूं, मैं 15 सेकंड वेट कर रहा हूं ताकि जो लोग ने लिखा है वो ये लिखे। ये फॉर्मूला है एंगल्स आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो 2, तभी लगता है ये वाला। कॉमन रेशियो सर क्या समझाएंगे, वो जो लास्ट क्लास में जो किया था कि अगर तुम दो कॉन्ज इस दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, किससे जीपी, किसी चीज जीपी में कोई एक चीज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ, ए उसके बाद क्या है ट्वाइस है, उसके बाद क्या है 4 ए, तो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को कॉमन रेशियो कहते थे ना, ठीक है। चलो, तो क्या इसमें तुम्हें जीपी टर्म दिख रहा है, तो कभी कभी तुम लोगों का एल्गोरिथम ये होगा कि तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट जीपी टर्म। तो जीपी टर्म तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, पाई बाय 15 के साथ 2 पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15 का जीपी टर्म किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, 4 के साथ, 4 के बाद क्या होता, 8 होता, 8 है, 8 है नहीं, मगर 7 पाई है, क्या 7 पाई और 8 पाई सप्लीमेंट्री पेयर है, प्लस करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करोगे तुम कि 7 पाई बाय 15 प्लस 8 पाई बाय 15 जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, पाई होता है, पाई। तो मैं इसीलिए इस लॉजिक से मैं इसको यहां पे मिला दे रहा हूं, मतलब ये मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि cos 7 pi by 15 को तुम क्या लिख सकते हो, cos pi minus 8 pi by 15, तो ये क्या हो जाएगा, minus cos 8 pi by 15, तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। तो जब तुमने ये ऑब्जर्व कर दिया तो तुम्हारे पास मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला माइनस, तो क्या क्या रहेगा, क्या बोलोगे, cos pi by 15, उसके बाद cos 2 pi by 15, उसके बाद cos 4 pi by 15, उसके बाद cos
8 पाई बाय 15, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने 7 पाई को 8 पाई बनाया है यहां से, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, कोई बोलेगा? cos 3 पाई बाय 15, तो इसे क्या लिख सकते हो, cos पाई बाय 5, और क्या बचा? 5 पाई बाय 5 को क्या, 3 पाई बाय 15 को 5 पाई बाय 5 को क्या लिख सकते हो, 3 पाई बाय 5 नहीं, पाई बाय 3 तरीका, सॉरी पाई बाय 2 cos pi by 3 लिख सकते हो, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 cos 2 pi by 5, ठीक है। इसका वैल्यू अभी तुमने ऊपर लिखा था, कितना था इसका वैल्यू, sin 16 a, तो डायरेक्टली वैल्यू बोलो, नहीं माइनस, डायरेक्टली वैल्यू बोल दो, माइनस 1 by 16। क्या इसमें कहीं पे जीपी दिख रहा है, ध्यान से देखो, पहले बोलो कोई स्टैंडर्ड एंगल दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसका तो वैल्यू आ जाएगा cos pi by 3, 1 by 2 था। अब जो बच गया क्या उसमें तुम्हें जीपी दिख रहा है? Yes. Yes, sir. cos pi by 15, cos 2 pi by 5 दिख रहा है? Yes, sir. तो क्या इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, छोटा है फॉर्मूला लगेगा, मगर इसमें लगेगा या नहीं? हाँ सर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/32, क्या फॉर्मूला लगेगा, cos a cos twice a, तो क्या हो जाएगा, cos sin 4a, सॉरी यहां cos नहीं sin, ना क्या हो जाएगा, sin sin 4a 4 pi by 5 4 pi नीचे क्या आएगा 4 into कितना sin 4 pi by 5, क्या ये दोनों में तुम्हें कुछ दिख रहा है, 4 pi by 5 pi by 5 में supplementary, तो इसलिए क्या लिख सकते हो 4 pi by 5 को, pi minus pi by 5 divided by क्या, sin pi by 5 is equal to 1 by 128, क्या लिख सकते हो इसको, that is 128 into 1, इसे लिख सकते हो sin pi by 5 by कितना, sin pi by 5, cancel हो गया, क्या मिला answer, 1 by 128, खेला खत्म। किसी को लिखना है लो लिख लो, कहीं doubt है तो पूछो, मेहनत करना तुम्हारा काम है, असाइनमेंट सीट देना मेरा काम है, असाइनमेंट सीट नहीं बनने से डिमोरलाइज नहीं होना है, पूछना है, जिस लेवल में मेहनत कर रहे हो उस लेवल में कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा। इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, चलो आगे, लास्ट लाइन,
बोल देना सर हो गया। चलो सर हो गया। रिड्यूसिंग फैक्टर का कमाल है ये सब। पैटर्न टेन थीटा बाय टू को अगर मैं वन प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या कुछ अच्छा बनता है देखता हूं एक बार। हाँ टेन थीटा बाय टू को लिख सकता हूं साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू। सेक थीटा को लिख सकता हूं वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी एक कॉस थीटा। तो ये मुझे मिल गया साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा के बदले क्या लिख सकता हूं टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर ये कैंसिल कर दूं तो ऊपर क्या बना टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू नीचे क्या बना कॉस थीटा। क्या बना ये साइन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या टेन थीटा। तो इसका मतलब जब मैं टेन थीटा बाय टू इंटू वन प्लस सेक थीटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये क्या दे रहा है टेन थीटा। तो इसका मतलब है जब मैं टेन थीटा बाय टू वन प्लस सेक थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा वन प्लस सेक टू थीटा से तो ये क्या देगा। देखो इस पैटर्न को देखो पैटर्न देखो ये थीटा बाय टू है ये थीटा है तो एंगल क्या हुआ डबल। तो आंसर थीटा बाय टू के बदले थीटा हो गया मतलब जो थीटा और ये थीटा सेम है ये याद। तो टेन थीटा बाय इंटू सेक थीटा बाय टू ये क्या दे देगा ऊपर वाले से टेन टू थीटा नहीं टेन थीटा देगा केवल वन प्लस सेक टू थीटा। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं इसको इससे रिप्लेस कर दे रहा हूं। अब बोलो यहाँ पे क्या कोई एंगल है क्या ये इसका क्या है डबल। तो ये इसका क्या था डबल था तो आंसर क्या आ रहा था टेन थीटा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा तब टेन टू थीटा क्योंकि ये बन गया ना तो ये क्या बन जाएगा टेन टू थीटा। इसका मतलब अब तुम मुझे डायरेक्टली बोलोगे टेन थीटा बाय टू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वन प्लस सेक थीटा वन प्लस सेक टू थीटा और वन प्लस सेक फोर थीटा के साथ तो क्या देगा ये टेन फोर थीटा टेन फोर थीटा ठीक है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग फैक्टर है समझ में आ रहा है ये रिड्यूसिंग फैक्टर है ये एक रिड्यूसिंग फैक्टर है। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ ये वाला जो टर्म है ये टर्म का जो पैटर्न है इस पैटर्न ने मुझे एक आंसर दे दिया वो है टेन फोर थीटा। तो अगर ऐसा केस है तो अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि टेन थीटा बाय टू वन प्लस सेक थीटा वन प्लस सेक टू थीटा डॉट 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 वन प्लस सेक टू टू द पावर एन माइनस वन थीटा क्या देगा टेन टू द पावर एन थीटा देगा टेन जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा टू टू डी पार क्या एन माइनस वन थीटा ठीक है। इसे याद मत रखो सर क्यों ये याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा मगर अगर तुम इसे याद रखोगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर है वन प्लस सेक थीटा वन प्लस सेक टू थीटा वन प्लस सेक फोर थीटा जाते जाते वन प्लस सेक टू टू डी पावर एन थीटा क्या हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये टेन थीटा बाय टू को तुम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो क्या बनेगा टेन टू टू डी पावर एन थीटा डिवाइडेड बाय कितना टेन थीटा बाय टू। अगर इसे याद रख लोगे तो हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें इसे डायरेक्टली जेई में तुम्हें कोई सम मिलेगा जहां पे इसका एप्लीकेशन है मगर असाइनमेंट सीट्स में तुम्हें खूब मिलेंगे ऐसे सम जहां पे तुम्हें इसे डायरेक्टली अप्लाई करके आंसर निकाला जाता है। तो दीज आर द रिडक्शन फॉर्मूलाज जो दिमाग में थोड़ा याद रखना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर द मेन फॉर्मूलाज एकदम याद ही रखना जरूरी है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं सबका तुम्हें प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि कैसे तुम रिड्यूस कर सकते हो तुम दो तीन को रिड्यूस करके अपने आप एक पैटर्न निकाल भी सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे।
मुझे अच्छा लगेगा पहले ये फॉर्मूला लिख दो तो फिर वो नीचे लिखो, वो ज्यादा बेटर होगा तुम लोग के लिए। पहले ये फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद ये लिखो, क्यों बेटर होगा ना, उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में अगर तुम कभी फॉर्मूला भूल जाओगे तो तुम क्या करोगे। अगर तुम एग्जामिनेशन में कभी फॉर्मूला भूल जाओगे तो मैंने क्या करोगे, एन के एन का एक वैल्यू वन ले लेना, एन का वैल्यू टू ले लेना, एन का वैल्यू थ्री ले लेना, दैट इज मच बेटर। ये लिखो, ये ज्यादा अच्छा है। देखो यार ट्रिग्नोमेट्री केवल यही नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आज और नेक्स्ट क्लास में वी विल डू सम टिपिकल सम्स, क्योंकि ये लास्ट दो क्लास है, उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, वी विल गो टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये बात को ना प्लीज, हाँ मतलब क्या चल रहा है अभी, मैंने लास्ट क्लास में भी वही दूसरे बैच में किसी ने कहा था कि सर पहले नहीं बन रहा है, अब सीट बनने लगता है धीरे धीरे, मुझे दुर्गा पूजा तक का टाइम दो, मैं दुर्गा पूजा तक तुम्हें कभी कभी टिपिकल सम दूंगा, कभी कभी उसका कुछ सॉल्यूशन करवा दूंगा, दिखान करने के लिए बोलूंगा, तो काइंडली करते रहो देखना अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट आएगा, मगर पढ़ना तो पड़ेगा। आगे चलूं मैं, टाइमर देना भूल गया था सर, थोड़ा रुके लास्ट वाला पार्ट, तो मैं आ रहा हूँ, हाँ एक मिनट में लिख लो इसको, तब मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, कुछ पूछोगे तो नहीं बोल पाऊंगा सर। आगे चलूं सर, वो लास्ट वाला मतलब नहीं लिखना है वो फॉर्मूला ऊपर वाला, अरे दे दे वो लिख लो इसे, कोई पंगा नहीं, हाँ लिख लो क्या जाता है, हाँ ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों सेम है, हाँ बस थोड़ा बिंदास होके देखो, बिंदास होके देखने का मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, मतलब ठीक है लूजली देखो, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, अरे ये भी फॉर्मूला है, अरे ये फॉर्मूला लगाने से भी होता है, ठीक है ऐसे रिडक्शन से होता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि जितना भी पॉसिबल रिडक्शन है सब मैं दे दूं तुम्हें, अच्छा बात भी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ रिडक्शन तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलूं, चलो तो जैसे प्रॉब्लम है, इफ एफ ऑफ एन कॉमा ए
इज इक्वल टू टेन ए बाय टू वन प्लस सेक ए वन प्लस सेक वाई से जाते 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 वन प्लस सेक टू टू द पावर एन ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन फाइन मल्टीपल चॉइस करेक्ट में रहता है जैसे मैं दे देता हूं टू पाई बाय सिक्सटीन का वैल्यू निकालना है और बी एफ थ्री पाई बाय सिक्सटी फोर का वैल्यू निकालना है ये दो वैल्यू निकालना है सॉल्यूशन सम एक बार लिख लोगे इफ एफ एन कॉमा ए का एक वैल्यू दिया हुआ है ये एक पैटर्न है हाँ एफ एन कॉमा ए में ए मतलब एंगल है और एन मतलब कहां तक गया है तो इसका मतलब ऐसा होता है एफ का दो आर्गुमेंट है एन अगर फाइव है तो ये टू डी पावर फाइव तक जाएगा एन अगर टेन है तो ये टू डी पावर टेन तक जाएगा ए अगर थर्टी डिग्री है तो ए थर्टी डिग्री है ए अगर हंड्रेड डिग्री है तो ए हंड्रेड डिग्री है लिखना है तो लिख लो अब आगे चलूंगा फिर आगे निकलो सर थोड़ा रुक सर ठीक है सर मतलब ये n n हमेशा पावर के लिए ही यूज होगा या कुछ नहीं वो डिनाई है वो फार्मूला के ऊपर है वो डिपेंड करता है कुछ भी हो सकता है ये इसके लिए इस पर्टिकुलर सम में ये दिया गया है आया समझ में तो अगर एफ एन ए का फार्मूला दिया हुआ है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम एफ एन ए को कुछ लिख सकते हो तब क्या इसका कोई फार्मूला था टेन ए बाय टू ऊपर वाला फार्मूला देखो अगर किसी को ऊपर वाला फार्मूला याद है तो क्या बोलोगे क्या इसका मतलब है वन प्लस सेक टू टू दी पावर एन ए तो तुम लोगों ने मुझे बोला इसका मतलब क्या हुआ टेन इंटू कितना फ्रॉम अबव फॉर्मूला तो अगर ये तुम मुझे ऊपर बोल सकते हो तब तो तुम खेला ही खत्म हो गया ना एन कॉमा ए का अगर ये वैल्यू है तो टू पाई बाय सिक्सटीन का मतलब क्या हुआ तब टेन पाई बाय फोर टू पाई बाय सिक्सटीन का मतलब हो गया एंगल है पाई बाय सिक्सटीन और ये क्या टू स्क्वायर इंटू कितना पाई बाय सिक्सटीन तो ये टेन पाई बाय फोर टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन आया समझ में ना वह अगर एफ थ्री पाई बाय सिक्सटी फोर बोलेगा तो पाई बाय एट टेन टू क्यूब इंटू पाई बाय सिक्सटी फोर तो टेन पाई बाय एट क्या स्टैंडर्ड एंगल था याद है रूट टू माइनस वन ये सब याद रखना वहां धीरे धीरे लिखना है तो लिख लो पाई बाई कैसे निकालते हैं याद है ना 22 एंड हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के निकालते थे हाँ आगे चलूं चलो
जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। मुझे नेट में ये मिला अभी, हाँ तो मैं ये तुम लोग के साथ शेयर कर देता हूँ एक चीज। नेट से शेयर करना तो इतना स्लो हो जाता है नेट, कुछ मत। दो मिनट आने दो, आएगा तो फिर दे लूंगा, तब तक आगे चलता हूँ। आ गया, घबराओ मत, ये सबको पूरा याद नहीं रखना ठीक है। जैसे जैसे वही मैंने कहा ना कि जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे तुम सम्स करोगे वैसे वैसे तुम्हें क्या होगा कि जैसे जैसे तुम लोग सम्स करोगे किस किस एंगल का जरूरत है तुम्हें खुद पता चलते रहेगा, तो इसमें से सब एंगल्स एक बार याद रख लोगे ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर एंट्रेंस के सम्स को करते हो तो इन जनरल ये सब चीज थोड़ा दिमाग में रहना बेटर है। मैं फिर से ये पाप रे सर, इतना चीज सर नहीं रहेगा सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ सब याद रहे ठीक है बस। चलो आगे चलता हूँ। तो अभी अभी तुमने रिडक्शन देखा, मैं सेकेंड में आ रहा हूं जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, सपोज मैं तुमसे अगर कभी पूछूं कि इफ एस इज इक्वल टू 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + ……1/99 × 100, टी इज इक्वल टू 1/51 × 100 सपोज ये है, तो तुम्हें एस को सिंप्लीफाई करना है, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कोई बोलेगा? Sorry, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम कर सकते हो क्या, नीचे का डिफरेंस कितना हो रहा है बोलो। नहीं ये 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 नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए इसमें फिर कुछ ऊपर, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 1 × 3 + 3 × 5, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है 97 × 99। अब बोलो क्या करूं, नीचे का डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, 2 है सर, सबका डिफरेंस 2 हो रहा है। अगर सबका डिफरेंस 2 हो रहा है तो ये 2 को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एक 1/2 ले आता हूं या ट्वाइस एस लिख लेता हूं, बात बराबर है जो भी बोलो, ट्वाइस एस लिख लेता हूं, तो 2/3 × 1 + 2/5 × 3 + 2/99 × 97। अब जरूरत के अनुसार, जरूरत के अनुसार का मतलब इस 2 के बदले क्या लिख सकता हूं, 3 − 1/3 × 1, इस 2 के बदले क्या लिख सकता हूं, नीचे 5 × 3 है,
पे क्या लिख सकता हूँ कोई बोलेगा? समझ में आ रहा है ये लिख के क्या फायदा हुआ? अगर अलग अलग कर दूं तो क्या होगा कोई बोलेगा? यहाँ पे अगर अलग अलग कर दूं तो क्या मिलेगा? माइनस ये 5/5 × 3 माइनस 3/5 × 3 और ये 99/99 × 97 माइनस 97/99 × 97 तो अलग अलग करूं तो क्या मिलेगा? 3 कैंसिल 1/1 माइनस 1/3 5/5 कैंसिल क्या 1/3 माइनस 1/5 लास्ट वाला 1/97 माइनस तो क्या होगा बोलो? क्या ये कैंसिल हुआ? सो 1 रह जाएगा 1 माइनस तो अगर यहाँ पे 1 रह गया तो क्या होगा? तब तो सब कैंसिल होते जाएगा। अगर फर्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म रहा तो लास्ट वाले का कौन सा टर्म रहेगा? तब लास्ट टर्म रहेगा क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो जा रहा होगा। इससे ही को इसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। तो कितना मिला 98/99 खेला खत्म। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस उस ट्रिक का नाम है जहां पे a माइनस बी के साथ b माइनस सी हो और फिर c माइनस डी हो ताकि क्या हो जाए इसका पहला वाला बाकी रहे और इसका लास्ट वाला और तुम्हें क्या मिल जाए a माइनस डी मिल जाए। किसी को लिखना है तो लिख लो क्योंकि अब मैं इसके ऊपर वाले सम्स को करवाऊ इसके ऊपर के कुछ सम्स को कराऊंगा जो इसके ऊपर आधारित है। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। मतलब उस फैक्टर को ऊपर लेके आना पड़ेगा। Yes. मतलब उस चीज को याद रखो कि उस फैक्टर को ऊपर लेके आना है ताकि जरूरत के अनुसार उसे तुम लिख पाओ। ठीक है आगे चलो। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग फैक्टर क्या है? ये 2 को रिड्यूसिंग फैक्टर कहोगे कहोगे या नहीं? Yes, sir. एक बार तुमने जब 2 इंट्रोड्यूस कर दिया तो चीज रिड्यूस होने लगा। ठीक है आगे निकलूं? हाँ सर। चलो एक सम का वैल्यू निकालने बोल रहा हूं तुम्हें। साइन एक्स साइन ट्वाइस एक्स साइन थ्राइस एक्स जाते जाते साइन 9x। ठीक है देखो s को अगर मैं साइन x बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा देखेंगे अभी। हाँ ये साइन x इंटू साइन x बाय 2 होगा प्लस साइन 2x इंटू साइन x बाय 2 होगा साइन 3x इंटू साइन x बाय 2 होगा और लास्ट टर्म साइन 9x इंटू साइन x बाय 2 होगा। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या था? सॉरी साइन साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या था? एक 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b a प्लस b। अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या बनेगा? 1/2 cos
साइन एक्स बाई टू। मैं एक काम करता हूँ, टू से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेटर हो जाएगा, सब जगह टू भी आ जाएगा, नहीं क्या? मैंने टू भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे ये बात फायदा हो गया कि वन बाय टू अब मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, टू यहाँ पे आ गया। तो अब मुझे बोलो क्या हो जाएगा तब, ये टू साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस एक्स बाय टू, तो कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स प्लस एक्स बाय टू, तो कितना, थ्री एक्स बाय टू प्लस। मैं फिर से कह रहा हूँ, कलर कोड दे रहा हूँ, ये मैंने ये बनाया, ठीक है। अब मुझे ये ब्लू वाला कोई बोलेगा क्या होगा तब, ट्वाइस एक्स माइनस एक्स बाय टू कितना, थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव एक्स बाय टू, ये ब्लू वाला हो गया। क्या कोई मुझे बोलेगा ये येलो वाला क्या होगा, टेक योर टाइम, कॉस फाइव एक्स बाय टू, फाइव एक्स बाय टू माइनस कॉस सेवन एक्स बाय टू, जाते जाते लास्ट वाला नाइन एक्स और एक्स है, बोलो इतना टाइम लगता है, 9x 17x बाय 2 माइनस करोगे ना, माइनस कॉस, अरे जिनको डाउट है तो वो ये होगा ना, ये होगा ना, तो क्या मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है, हाँ या ना, क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हुआ, तो अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका लास्ट वाला बाकी, तो क्या रह गया, 2s into sin x by 2 क्या रह गया, cos 2s is minus cos x by minus cos 19x by 2। तो सर अब क्या करें, मुझे तो लग रहा है cos c minus cos d का भी एक फॉर्मूला था, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू, तो इसका मतलब ट्वाइस एक्स साइन एक्स बाय टू का वैल्यू क्या आया, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू, फाइव एक्स हो जाएगा, नाइनटीन प्लस एक्स ट्वेंटी एक्स, ट्वेंटी एक्स बाय टू टेन एक्स, टेन एक्स द होल डिवाइडेड बाय टू फाइव एक्स इंटू नाइन एक्स, नाइन एक्स बाय टू माइनस ए माइनस बी, तो ये माइनस के टर्म में रहेगा, ये माइनस कैंसिल, ये टू कैंसिल, तो एस का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू इंटू साइन नाइन एक्स बाय टू। तो ऑप्शन में दिया रह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो तुमने देखा साइन एक्स, मैं इसे याद रखने नहीं बोल रहा हूं अभी, हाँ डॉट 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 साइन नाइन एक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता चला, साइन फाइव एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय टू इंटू साइन नाइन एक्स बाय टू। मैंने क्या किया कि मैं अब इसी चीज को जनरलाइज कर दूंगा, क्या तुम्हें यहाँ पे एंगल एपी में दिख रहा है, हाँ या ना, एंगल केवल एंगल को देखो, क्या ये एपी में है, हाँ सर। तो अब मैं एक फॉर्मूला दूंगा, प्रूफ यही है, ठीक है, तो पहले ये लिखना है तो लिख लो, मेथड ऑफ डिफरेंस से रिड्यूस हुआ, पहले ये लिखना है तो लिख लो रे, दो मिनट
आगे चलूं? लिख लूं आगे सर, एक सेकंड सर। हाँ सर, सर। चलो हाँ सर, हो गया। तो एंगल्स इन एपी जैसे जीपी का फॉर्मूला था, वैसे एंगल्स इन एपी का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर वन, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस टू डी अप टू एनथ टर्म, और एनथ टर्म होगा साइन ए प्लस एन माइनस वन डी। एंगल्स एपी में है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इंटू एन इंटू डी बाय टू डिवाइडेड बाय साइन डी बाय टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी बाय टू। इसको मैं कई बार ऐसा भी लिखता हूं, साइन एन डी बाय टू डिवाइडेड बाय साइन डी बाय टू इंटू साइन ऑफ एफ ए का मतलब फर्स्ट एंगल है, एल ए का मतलब लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय टू। एफ ए का मतलब फर्स्ट एंगल जो यहाँ पे ए है, और एल ए का मतलब लास्ट एंगल जो यहाँ पे ये वाला है एल ए, ठीक है। और सिमिलरली तुम्हारे पास जैसे साइन के लिए फॉर्मूला है, वैसे कॉस के लिए भी एक फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस ए प्लस डी कॉस ए प्लस ट्वाइस डी अप टू एन टर्म्स। पहला वाला टर्म सेम है, साइन एन डी बाय टू बाय साइन डी बाय टू इंटू, बस अब ये कॉस हो जाता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू। सर तुम बोलोगे सर प्रूफ दीजिए, साइन डी बाय टू से मल्टीप्लाई कर देना एग्जैक्टली ऊपर जो काम किया था उसी से आ जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये दो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना होगा। साइन डी बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे स्टडी नोट्स, मैं भी स्टडी नोट्स जो दूंगा मेरे ऐप में होगा वो, उसमें तुम्हें फॉर्मूला का कई बार प्रूफ मिल भी जाएगा, चिंता मत करो। एप्लीकेशन मजा आएगा तुम लोग को देखकर, जैसा अभी तुम्हें अच्छा लगा था थोड़े पहले, तो यहाँ पे भी तुम्हें सम देख कर वैसे पहले इसको फॉर्मूला मगर याद रखना होगा। मार्जिजा शर्मा अटेंडेंस प्रेजेंट सर। अभिनव प्रेजेंट सर। पंसुल प्रेजेंट सर। विशाल राज प्रेजेंट सर। विश्वराज प्रेजेंट सर। ये लिख लिया, ये लिख लिया है, मैं आगे आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ नाम ये लिख लिया, ठीक है तो आगे चल रहा हूँ, ठीक है सर।
सर वो आप ये समझ रहे हैं यहाँ पे n d by 2 कैसे आया? वो तो फिर प्रूफ करना होगा ना उसके लिए, जैसे मैंने ऊपर किया, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया मेथड ऑफ डिफरेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया ना, वैसे ही तुम साइन डी बाई टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन डी बाई टू आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ नहीं है, बस साइन डी बाई टू से तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है सबको, और मेरे स्टडी नोट्स में तुम्हें प्रूफ मिलेगा भी इसका। हाँ प्रॉब्लम, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, कॉस पाई बाय 11 प्लस कॉस 3 पाई बाय 11 प्लस कॉस 5 पाई बाय 11 प्लस कॉस 7 पाई बाय 11 प्लस कॉस 9 पाई बाय 11। क्या एंगल एपी में है? पाई बाय 11 के बाद 3 पाई बाय 11, हाँ सर, 3 पाई बाय के बाद 5 पाई बाय 11, हाँ एपी में है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? पाई बाय 11। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 पाई बाय 11। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5। तो एन डी बाय 2 क्या हो जाएगा, पहले ही लिख लेते हैं, 5 टू जा 10 पाई बाय 11 इंटू 2, तो ये फिर से 5 पाई बाय 11 ही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कोसाइन वाला फॉर्मूला क्या था? उतना बड़ा एक्सप्रेशन मुझे बार बार लिखने का, कोसाइन सम क्या था अगर एंगल एपी में हो तो? साइन एन डी बाय 2 एंगल इन एपी। मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन एन डी बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डी बाय 2 इनटू साइन ऑफ, सॉरी इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो साइन एन डी बाय 2 क्या हो गया? साइन एन डी बाय 2 तुम्हारे पास निकल गया कितना? 5 पाई बाय 11। कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल कितना हुआ देखो? पाई बाय 11 और 9 पाई बाय 11। पाई बाय 11 प्लस 9 पाई बाय 11 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डी बाय 2 कितना हुआ? डी 2 पाई बाय 11 है, तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 11। क्या देख के कुछ अच्छा लगा? साइन 5 पाई बाय 11, कॉस भी क्या आया तब? ये ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 9 1 10 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 पाई बाय 11। क्या ऊपर वाला देख के कुछ अच्छा लगा तुम लोगों को? क्या ऊपर वाले में जब तुम देख रहे हो तो आर्गुमेंट सेम दिख रहा है? हाँ सर, साइन एक्स कॉस एक्स आर्गुमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x 2x पर, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 10 बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11 और एक 2 रहेगा नीचे। क्या ये एंगल में कुछ दिखा? ऐसा सप्लीमेंट्री है, तो इसलिए क्या लिख सकते हो ऊपर वाले को? पाई माइनस टू इंटू साइन पाई बाय 11, तुमने सप्लीमेंट्री पेयर देखा। क्या फायदा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 11। समझ में आया? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को सर आपने प्रूफ वाला स्किप कर दिया, वो प्रूफ इतने छोटे स्क्रीन में करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है? इसी में तुमने देखा होगा कि देखो ये जब प्रूफ किया था ये जगह, यही जगह मुझे कम पड़ गया, तो एग्जैक्टली वही चीज करना होगा, ठीक है? स्टडी नोट्स में तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, घबराओ मत, इसे लिखना है तो लिख लो। मगर ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेशन करेगा समझ में आया? मैंने क्या देखा? मैंने देखा एंगल्स किस में है? एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? पाई बाय 11। कॉमन डिफरेंस क्या है? एन, तो एन डी बाय 2 निकाल लिया। मेरे पास फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला में पुटअप कर दिया, मेरे पास आंसर निकल गया। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? और मैंने लिखना भूल गया रे, क्या ऑब्जर्व करोगे तुम लोग? ऑब्जर्व करोगे कि एंगल्स इन एपी है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आके चलूंगा, कहीं डाउट है तो पूछो।
हर्षित गोस्वामी निमिषा बरुआ प्रेजेंट सर दीपराज कश्यप प्रेजेंट सर अस्मिता प्रेजेंट सर भूमन यस सर प्रज्ञान प्रेजेंट सर निहारिका प्रेजेंट सर रिमली प्रेजेंट सर मार्जुजिया प्रेजेंट सर अद्रिका प्रेजेंट सर चलो हो गया लिख लिया तुम लोगों ने हाँ सर तो आगे निकल रहा हूं समेशन आर इज इक्वल टू वन से लेके नाइन तक साइन स्क्वायर आर पाई बाय टेन इसका वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर के बाद आर पाई बाय टेन खेला शुरू कर रहा हूं ऊपर वाला फॉर्मूला देखो केवल लीनियर पावर के लिए लग रहा था ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो केवल तभी लग रहा था जब पावर क्या था साइन का लीनियर मतलब वन और कॉस का भी पावर क्या था वन मगर यहां पे देखो साइन का पावर क्या है टू मैं लिखने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इसका मतलब मुझे ये क्या मिला साइन स्क्वायर पहला पाई बाय टेन होगा उसके बाद साइन स्क्वायर टू पाई बाय टेन होगा डॉट डॉट लास्ट वाला साइन स्क्वायर नाइन पाई बाय टेन होगा पाई बाय टेन स्टैंडर्ड है तुम डायरेक्टली 18 डिग्री है तुम वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं निकाल सकते हो पर मैं एपी में इंटरेस्टेड हूँ हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पेयर में भी अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्या एंगल्स एपी में है ये पकड़ पा रहे हो यस सर यस तो ये तो तुमने ऑब्जर्व कर लिया कि एंगल्स एपी में तो प्रॉब्लम केवल कहाँ पे है स्क्वायर में प्रॉब्लम है कि ये सेकेंड डिग्री टर्म्स है यहाँ पे तो सेकेंड डिग्री टर्म को क्या मैं लीनियर बना सकता हूं सेकेंड डिग्री टर्म क्यूबिक टर्म बोर्ड लेवल का एकदम लास्ट क्लास साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय टू लिख सकते हो यस सर ठीक है तो अगर मैं ये वन बाय टू को बाहर ही ले लेता हूं एक बार तो आप मुझे सबका वैल्यू बोल दोगे जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय टेन तब क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस डबल एंगल करोगे तो कितना टू पाई बाय टेन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टू पाई बाय टेन क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस फोर पाई बाय टेन उसके बाद वाला टर्म वन माइनस कॉस सिक्स पाई बाय टेन और लास्ट वाला एटीन पाई बाय टेन अब मुझे बोलो क्या वन कितने बार आया 18 times नहीं आया 1 से लेके 9 है केवल इवन 9 times आ गया तो 1 by 2 मैं 9 minus ले लेता हूं और अब ब्रैकेट में क्या आया तब cos 2 pi by 10 तुम pi by 5 भी लिख सकते हो cos 4 pi by 10 cos 6 pi by 10 जाते जाते cos 18 pi by 10 क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा हाँ या ना हाँ सर एपी का फॉर्मूला लग जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 पाई बाय 10 नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 9 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई बाय 10 तो इसलिए फॉर्मूला क्या था याद है 1 बाय 2 मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन एन डी बाय 2 एन डी बाय 2 तो डी बाय 2 हो गया पाई बाय 10 डिवाइडेड बाय
साइन डी बाय टू, तो डी बाय टू हो गया पाई बाय टेन इन टू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल टू पाई बाय टेन, ये ठीक है लिख देता हूँ, टू पाई बाय टेन प्लस 18 पाई बाय टेन डिवाइडेड बाय टू, तो क्या हुआ अल्टीमेटली 9 माइनस, ये कितना आया साइन 9 पाई बाय टेन, ये कितना है कॉस, जीरो आ जाएगा सर, पाई कॉस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय साइन, मगर कॉस पाई बाय टू का वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई बाय टू 0 होता है, इसलिए आंसर क्या आ गया 9 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 9 बाय टू, खेला खत्म, आया समझ में, लिखना है तो लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूँ तुम कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का भी खेला खेल सकते थे यहाँ पे, हाँ हाँ बोलो, लाइन नंबर 14 से समझा लेंगे, 14 में मैंने बोला मैंने सब 1 को पहले ले लिया, 1 कितने बार आया 9 टाइम्स, तो ये 19 हो गया, आया समझ में, ओके, और उसके बाद सेकंड वाले टर्म्स को एक साथ ले लिए, तो ये ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर वो कॉस पाई होगा क्या, सर वो कॉस पाई होगा, सही सर, कॉस पाई होगा क्या, हाँ सर 22 पाई होगा, कॉस 2 पाई बाय 2, तो ठीक कॉस पाई हो गया तब अंतर हो जाएगा रे मगर आंसर में, ठीक है कॉस पाई होने से फिर आंसर क्या होगा, तब कॉस पाई माइनस 1 था, माइनस तो 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 9 माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब 9 पाई बाय 10 और पाई बाय 10 कुछ दिखा सर, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसलिए ये और ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आया 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5, किसी को डाउट हो रहा है तो मैं वो नीचे लिख दे रहा हूं, साइन 9 पाई बाय 10 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई माइनस पाई बाय 10 इज इक्वल टू कितना, साइन पाई बाय 10, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है उसको, चलो थैंक्स, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। मेहनत करना होगा, आगे चलो धृतराज प्रेजेंट सर, प्रियांशु यस सर, देवरथा प्रेजेंट सर, अभिज्ञान प्रेजेंट सर, अभिजीत अक्षत प्रेजेंट सर, धीमान प्रेजेंट सर, निशित नीलभ प्रेजेंट सर, अर्षिता
अंकित प्रहलाद प्रेजेंट सर रिचा प्रेजेंट सर बीतोपन प्रेजेंट सर रिया प्रेजेंट सर देवरसी प्रेजेंट सर श्रिया प्रेजेंट सर अभिलाष प्रेजेंट सर दीक्षिता प्रेजेंट सर देवरसी दो बार है ठीक है आगे चलो सर क्या वो जीरो मिटा देंगे बाद में तीन तो कंफ्यूज हो जाऊंगा हाँ ठीक है आगे निकलूं हाँ सर तो बस तुम लोगों को दोबारा बता देता हूँ एक बार सेकंड डिग्री से लीनियर कैसे बनता था क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स जब दिखेगा तो फॉर्मूला था वन माइनस सॉरी हाँ वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू साइन स्क्वायर एक्स दिखने से cos cube x दिखेगा तो 3 cos x plus cos 3x by 2 sorry divided by 4 और sin cube अगर sin cube x दिखे तो actually में sin 3x is equal to था 3 sin x minus 4 sin cube x तो ये हो जाएगा 3 sin x minus sin 3x by 4 किसी को लिखना है तो लिख लो ऊपर वाला लगेगा सेकंड 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 से लीनियर सेकंड डिग्री से लीनियर और नीचे वाला आएगा थर्ड डिग्री से लीनियर अगर निकालना है तो ये देखो ये लीनियर है हाँ किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला फॉर्मूला अब आगे चलते हैं सर वो sin2x में सॉरी मैंने गलती कर दिया थैंक्स ए 1 माइनस cos 2x आगे चलूं अच्छा थोड़ा रुक एक सेकंड बोल देना हो गया हाँ सर यस सर फाइंड द sum sin x by cos x plus cos 2x sin twice x by cos x plus cos 4x sin 3x by cos x plus cos 6x sin 4x by क्या होगा नीचे पैटर्न बोलो cos x plus क्या होगा cos 8x cos 8x तो पहला चीज खत्म पैटर्न तुमने पकड़ा अब मुझे इसको सिंपलीफाई करना है तो दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं मगर मेरे दिमाग में आ रहा है मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं cos c minus cos d का मैं 2x को पहले लिखूंगा cos c plus cos d का फॉर्मूला मेरे पास था 2 cos c plus d by 2 cos तो ये तब तुम्हारे पास हो जाएगा sin x divided by 2 cos twice x plus x by 2 3x by 2 cos twice x minus x by 2 plus साइन ट्वाइस एक्स नीचे वाला दोबारा फॉर्मूला लगा रहा हूं टू कॉस फाइव एक्स बाय टू कॉस थ्राइस एक्स बाय टू फोर माइनस एक्स फाइव एक्स बाय टू फोर एक्स मैंने गलती लिख दिया फोर प्लस वन फाइव फोर वहां सही है कॉस थ्राइस एक्स बाय टू कॉस सिक्स प्लस वन सेवन एक्स बाय टू 6 minus x 5x by 2 plus 4x मैंने गलती लिख दिया
साइन 4x नीचे क्या आया 2 साइन 8 1 9x बाय 2 और साइन 8 minus 1 7x बाय 2 मैं तो थोड़ा फंस गया इसका डिफरेंस कितना हो रहा है देखो तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 2x by 2 x इसका डिफरेंस x डिफरेंस क्यों x आ रहा है अलग अलग वैल्यू है तो 4x plus x कितना हुआ हाँ ठीक ओ ठीक है वही आएगा 4x plus x 5x by 2 तो मैं अगर एक sin x by x मेरा difference है और मुझे sin twice x है साथ में sin thrice x है साथ में sin 4x है अगर मैं सबको कुछ गड़बड़ फॉर्मूला में गड़बड़ किया क्या 2 cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 सही है cos c minus d by 2 सही है मुझे इसे method of difference में लाना है ऊपर मैं cos मैं एक लेके तो आ सकता हूँ sin x by 2 sin x अगर मैं लेके आ जाऊँ तो फिर वो cancel नहीं होगा ना कैंसिल होगा ये सम को अभी छोड़ो ज्यादा टाइम भी नहीं है एक मेथड ऑफ डिफरेंस का एक दूसरा सम करा देता हूँ ये नेक्स्ट क्लास में करवाना रुक जा डायरेक्ट ये मेथड ऑफ डिफरेंस में गिर नहीं रहा एक्चुअली में एक सिंपल सा सम मैंने लिखा लेके आया था ये वाला करवा देता हूँ समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेके 50 डिग्री साइन 1 डिग्री इस 1 बाय साइन एन डिग्री और साइन एन प्लस 1 डिग्री ये लिख लो तो एक बार इसे देखते हैं हाँ चलो अगर मैं 1 डालूंगा तो ये क्या बनेगा बोलोगे वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा रहा हूँ टाइम भी ज्यादा नहीं है अभी ये क्या हो गया साइन साइन 1 डिग्री 1 डिग्री साइन 2 डिग्री प्लस 1 बाय साइन 2 डिग्री साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री जाते जाते लास्ट टर्म sin 51 डिग्री अच्छा अब एंगल का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है सबका 1 है सर सबका 1 है सर सबका 1 है इसलिए मैं एक काम करता हूं सबको ऊपर में sin 1 डिग्री ले आता हूं तो ये sin 2 डिग्री sin 1 डिग्री हो जाएगा यहां पे एक sin 1 डिग्री ले आता हूं तो यहां पे क्या देगा ये sin 3 डिग्री sin 2 डिग्री मैं डिफरेंस देख रहा हूं रे और ये तब क्या देगा साइन 1 डिग्री के साथ साइन 51 डिग्री साइन 50 डिग्री मगर अगर मैंने ये साइन 1 डिग्री लिया है तो मुझे डिवाइड भी करना होगा 1 बाय 1 डिग्री अब जरूरत के अनुसार इस 1 को क्या लिख सकता हूं 2 - 1 साइन 2 - 1 साइन ठीक है तो इसलिए वाले सम को मैंने भी हटा दिया रे ठीक है क्योंकि मैं ठीक है अभी मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें क्या करना है 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूं साइन 3 माइनस 2 मुझे लगा था इससे पहले वाले समय बस एक बार ब्रेक करने से आंसर आ जाएगा इसीलिए और वो आया नहीं और यहाँ पे 1 को क्या लिख सकता हूँ तब बोलो साइन 51 माइनस 50 डिग्री तो अगर अलग अलग करूं तो ये हो जाएगा साइन 2 डिग्री कॉस 1 डिग्री माइनस cos 2 degree sin 1 degree divided by sin 2 degree sin 1 degree ये पहला वाला का breakout है रे मैंने इसे break किया ठीक है अब इसका breakout sin 3 degree cos 2 degree minus cos 3 degree sin 2 degree divided by और लिखने का जरूरत नहीं है रे पैटर्न यहाँ पे आ जाता है और लिखने का भी जरूरत नहीं है जगह भी नहीं है मेरे पास लिखने का जरूरत भी नहीं है तुम लोग खुद बोल पाओगे अगर अलग अलग करूं तो क्या होगा कोई बोलेगा
अगर अलग अलग करूं तो इसे अलग अलग करूं तो क्या होगा? कुछ क्या साइन टू ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया कॉट वन डिग्री माइनस माइनस अब इस वाले में क्या हो गया? तो क्या ये एग्जैक्टली वैसा सम नहीं है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था? बस वो उसमें रियल नंबर से इसमें ट्रिग्नोमेट्री ये भी रियल नंबर ही है बस डिग्री के टर्म में ही है तो साइन थ्री कैंसिल क्या आ जाएगा? कॉट टू डिग्री माइनस कॉट तो लास्ट टर्म क्या होगा? मैंने कहा इसे लास्ट टर्म लिखने का जरूरत नहीं है तुम्हें अब तुम यहां से देखो ना साइन टू साइन वन तुमको दे रहा है कॉट वन और कॉट टू साइन थ्री साइन टू दे रहा है कॉट टू और कॉट थ्री तो साइन 51 साइन 50 क्या देगा? कॉट 50 माइनस कॉट 51 कॉट 50 डिग्री माइनस कॉट 51 डिग्री क्या फायदा? क्या कैंसिलेशन शुरू हुआ? कैंसिल हो जाएगा तो अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका लास्ट सर उसका लास्ट तो ये क्या हुआ 1 बाय साइन 1 डिग्री क्या रह गया? कॉट 1 डिग्री माइनस कॉट 51. कभी कभी आंसर तुम देखोगे मैं आज कहीं पे तुम्हारे मेरे सीट में मिलेगा सर आंसर तो नहीं मिला क्योंकि तुम हो सकता है कि आंसर इसके टर्म में नहीं है उसे और थोड़ा छोटा करना है किसके टर्म एलसीएम लेके लगा सकते हो ना कॉस 51 बाय कितना साइन 51 तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 1 बाय साइन 1 डिग्री नीचे क्या मिला साइन 1 डिग्री साइन 51 यहाँ पे क्या मिला साइन 51 डिग्री कॉस 1 डिग्री माइनस तो क्या ऊपर कोई फॉर्मूला गिरा साइन ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी तो ये कितना हो गया साइन 51 डिग्री माइनस 1 डिग्री नीचे में साइन 1 दो बार आ गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 1 डिग्री इनटू कितना साइन तो इसलिए ऑप्शन में तुम कभी कभी आंसर ये देख सकते हो क्या कॉसेक स्क्वायर 1 डिग्री कॉसेक 51 डिग्री इनटू साइन अब साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री ये आंसर में देख सकते हो कभी कभी ठीक है 50 डिग्री होगा हाँ बोलो क्या सन 50 डिग्री सॉरी 50 डिग्री खेला खत्म स्टैंडर्ड एंगल भी हो सकता है ऐसा एंगल भी हो सकता है कि ये 45 हो जाए तो वैल्यू ही दे देगा लास्ट सम था ये आज का लिखना है तो लिख लो तो लास्ट क्लास लास्ट नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगा हाँ और जो सम मैं अभी जिस समय मैं फंसा था वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा मेथड ऑफ डिफरेंस ही होगा मगर इतना आसान नहीं होगा वो थोड़ा सा टिपिकल होगा आराम से ये ले ठीक है चलो अभी छोड़ दूं सर थोड़ा रुकिए दाऊद से तो पूछो सर भेज दिया तो भेज दिया सर हाँ बोल सर अपने जो वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल बताया था पूछा था सर क्लास के पहले हाँ बोलो कौन सा कॉस स्क्वायर एक्स वाला सर हाँ सर
तो सपोज sin square x क्या हो उसका मतलब डिफरेंशिएशन करना रुक जाओ ये हो गया सर नहीं थोड़ा रुकिए थोड़ा ठीक है मुझे बोल देना दो आगे चलूं हो गया ठीक है चलो तो पहला डाउट चेन रूल का था किसी का तो चेन रूल में क्या होता है ना कि चेन रूल ये होता है टीबीएस का वो आंसर सर भेज सकते हैं वो भेज दूंगा रुक जा कॉस ऑफ जैसे कॉस ऑफ साइन एक्स है तो हम क्या करते हैं हम साइन एक्स को यू ले लेते हैं तो y जो हो जाएगा वो cos u हो जाता है और u जो हो जाता है वो sin x हो जाता है तो मुझे अगर dy by dx निकालना है तो मैं dy by क्योंकि y तो u का फंक्शन है तो मैं करता क्या हूं कि पहले dy by du निकालता हूं और फिर मैं du by dx निकालता हूं तो dy by du cos u का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin u और du by dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x अब u का वैल्यू उसमें डाल दो माइनस sin ऑफ sin x इनटू ये चेन रूल है तो चेन रूल जो है ना वो क्या कहता है देख फिर से दोबारा देखो क्योंकि अब क्योंकि तुम्हें जब डिफरेंशिएट करना है तो ऑलरेडी ये प्रोसेस नहीं करके तुम डायरेक्टली dy by dx लिख सकते हो अगर कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो तुम जब फंक्शन के अंदर घुसोगे तो सबसे पहले कॉस मिलता है इसलिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या था आर्गुमेंट वही लिखना जो है तो साइन एक्स अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या आया कॉस एक्स जैसे वाई सपोज तुम्हारे पास लॉग ऑफ टेन एक्स है तो क्या होता तो जब तुम डीवाई बाय डीएक्स करोगे तो तुम्हें सबसे पहले लॉग मिलेगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 by x तो ये क्या हो जाएगा 1 by 10x अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec square x तो वैसे ही अगर तुम y is equal to cos x का होल स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले तुम्हें होल स्क्वायर मिलेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम जानते थे क्या था 2x तो इसलिए cos square x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x अब आर्गुमेंट cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आया समझ में ठीक है तो बार बार ये करना होगा इसे चेन रूल कहते हैं सर मतलब वो जो कॉस 3x कॉस 2x ऐसे अगर लेंगे सर उसको भी ऐसे कर सकते हैं क्या चेन रूल कॉस 3x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आराम से पहले तुम्हें कॉस मिला इसलिए डिफरेंशिएशन साइन 3x अब आर्गुमेंट 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन आया समझ में सर डाउट भेज दिया था रुक जा अरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना ये किताब से मैंने दिया था मुझे लग रहा है क्या ये सब इसमें क्या हो रहा है कोई रूट नहीं आ रहा है क्या अच्छा सर मेरा भी इसका आंसर नहीं निकल रहा था नहीं सर ये मतलब कुछ सर वन है क्या आंसर इसका इसका आंसर तो रुक जा मुझे देखना होगा एक बार देख लेता हूँ वाई इक्वल टू
ये 16 टी टू दी पावर 5 हो जाएगा माइनस 20 टी क्यू प्लस 5 टी हो जाएगा। और भैया टी का वैल्यू क्या आएगा, कहां से कहां तक, माइनस 1 से 1 तक, क्योंकि टी को तुमने कॉस एक्स लिया है। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 80 टी टू दी पावर 4 माइनस 60 टी प्लस 5, यही आ रहा है ना, 60 टी स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, 5 अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 16 टी टू दी पावर 4 माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 1। इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, माइनस 12 प्लस माइनस 144 माइनस 16 फोर जा 64 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो टी स्क्वायर तुम्हारे पास क्या आया, माइनस 12 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16। तो बाहर क्या आया, माइनस 2 प्लस माइनस 4 रूट 5 बाय 2 इंटू 16। तो क्या आया ये, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल कर रहा हूं तो नीचे 4 आया, नीचे 8 आया। तो एक रूट मुझे मिला रूट 5 माइनस 3 बाय 8, और एक क्या मिला रूट 5 प्लस 3 बाय 8। दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि दोनों ही माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। दोनों ही अगर माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो तुम नहीं कह सकते हो, तुम्हें तो यहाँ पे भी वैल्यू निकाल के देखना होगा, कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, रूट अच्छा नहीं आ रहा है। अब जिसका आंसर निकला होगा उसने केवल ये दो निकाल, ये दो पुट अप करने से आंसर आ रहा है तुम बोलोगे, मगर वो क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो देखना होगा ना, देयर इज सम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है इसमें, कैंसिल करो, किताब में गड़बड़ है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली किताब से ही कॉपी किया गया, मैं तब भी देख लूंगा टाइपो एरर अगर हुआ है तो। 5 नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें डिफरेंशिएट नहीं करना था, डायरेक्टली हो जाता। ध्यान से देखो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, इसे पकड़ के देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, केवल ये टर्म सुनने में आ रहा है। यस सर। 2 इंटू 3 साइन एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 आया समझ में, तो एफ ऑफ एक्स तेरे पास क्या आया, 3 साइन एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10, बाहर क्या निकलेगा, मॉड ऑफ, मॉड निकलेगा, समझ में आया, यहां तक समझ में आया। हाँ सर। अब 3 साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस 3 से 3 तक, तो 3 साइन एक्स माइनस 5 कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस 8 से माइनस 2, तो मॉड ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 5 कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 तो कंटेन कर नहीं रहा, तो अब आगे प्लस कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें दो केसेस आते हैं, इसमें दो केस लेने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तुझे रेंज ही निकालना है, तो मॉड को क्यों, डायरेक्टली मॉड को तो डायरेक्टली मॉड का रेंज ही निकाल सकते हो, दो केस मतलब दो क्यों आ रहा है, दो केस बोल। हाँ सर, मतलब एक बार लेस देन 5 बाय 3 एक बार ग्रेटर देन 5 वो लेने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्टली रूट ही तो निकालना है। हाँ
14 वाला क्या वो टाइप में नहीं गिर रहा है क्या सर? प्रॉब्लम हो रहा था मतलब क्या हो रहा है? वन ट्वेंटी माइनस थीटा उस टाइप में नहीं गिर रहा ये साइन 20 तो ठीक है 120 प्लस थीटा क्या होना चाहिए था 120 प्लस 20 कितना होना चाहिए था तो साइन 40 लिखूं या साइन 140 लिखूं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्या सर आया समझ में और साइन 80 लिखूं या साइन 100 लिखूं बात क्या है सेम है तो ये तुम इसको तब ये नहीं लिख सकते हो साइन 20 प्लस आगे छोड़ दूं हाँ सर छोड़ दीजिए ये तो अब उस पैटर्न में आ गया ना तो थोड़ा सा करना होगा ठीक है चलो ठीक है तो विश्वजीत का हो गया विश्वजीत के बाद नीलम नीलम हो हाँ सर हो चलो यहां पे हम रिडक्शन सोचेंगे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ बन रहा है क्या पहले ये देख ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है नहीं क्या सर 162 और 18 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है नहीं क्या तो सबको लिखना शुरू कर अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है तो 1033 डिग्री के साथ तुम इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर 33 डिग्री ये समझ में आया मैंने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया प्लस अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 18 डिग्री नीचे भी आ गया साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री इंटू 109 डिग्री प्लस कॉस 162 का मतलब हो गया कॉस 18 डिग्री क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है कॉस 24 डिग्री बाय 2 टेन 33 को लिख सकता है साइन 33 बाय कॉस 33 कॉस स्क्वायर 33 को लिख सकता है कॉस स्क्वायर 33 लिखेगा क्या लिखेगा इसको साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री टेन 9 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री ये क्या फायदा हुआ ये और ये कैंसिल हो गया तो ये कॉस 24 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आया 2 साइन 33 डिग्री कॉस 33 डिग्री पहले इसी को रिड्यूस कर देता हूं ये क्या मिला क्या इसमें फॉर्मूला गिरेगा साइन 66 क्या ये कोई पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना ऊपर वाला भी साइन 66 हो गया नीचे वाला भी साइन 66 हो गया तो कैंसिल हो गया क्या आया मतलब इसका तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया क्या बोलो वन इसमें मुझे भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंसिल मैं कर पाऊं इसलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे भी 18 डिग्री जब है ही तो मैं एक काम करता हूँ मगर एक चीज हो रहा है कि 9 मुझे यहाँ पे मिल रहा है जरा इससे करके देखें साइन 18 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या 2 साइन 9 डिग्री और क्या कॉस 9 डिग्री इस साइन 18 को कुछ लिख सकता हूँ क्या 2 साइन 9 डिग्री और क्या कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री और 10 9 को क्या लिख सकता हूँ साइन 9 बाय क्या कॉस 9 प्लस कॉस 18 डिग्री आया समझ में ऊपर नीचे कुछ कॉमन लेने से क्या आया ऊपर हो गया 2 कॉस 9 डिग्री नीचे क्या रह गया 2 कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री बाय कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री अब इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हुआ 2 कॉस 9 डिग्री इंटू और एक कॉस 9 डिग्री नीचे भी क्या आया 2
2 cos square 9 degree minus cos 18 degree. अब दोबारा तू सोच, क्या cos 18 को cos 9 के टर्म में लिख सकता है? हाँ सर, डिनोमिनेटर 1 हो गया. छोड़ दूं? हाँ सर, ऊपर ऊपर वाला. हाँ करके देखना है बस. ठीक है, समझ में आया? चलो ऊपर वाला तो हो जाएगा ना, फिर से वही. अगर नीचे वाला हो गया तो ऊपर वाला भी हो गया. ध्यान से. हाँ सर. हाँ सर. चलो नीलव के बाद है और कोई नहीं है. ठीक है चलो. निकलते हैं तब. थैंक यू सर.